नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा। विश्व में अब तक 1,66,00,000 से ज्यादा कुल कोरोना के मामले सामने आए, तो वहीं 1,02,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,80,000 के पार। कोरोना से मौत के आंकड़े भी 33,000 से ऊपर। हालांकि अब तक 9,52,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। अभी भी 4,96,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज। 3 नवंबर प्रस्तावित अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख। 29 सितंबर को ट्रंप और ब्रिटेन के बीच होगी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। भारत की सैन्य शक्ति में हुआ इजाफा। दुश्मन की काल राफेल बुधवार को पहुंचेंगे भारत। पहली खेप में 5 राफेल पहुंच रहे हैं भारत। कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर विरोध तेज। देश के कई सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार से पाक को सबक सिखाने की मांग। राम मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे चला जाएगा टाइम कैप्सूल। ताम्रपत्र में सहेजी होंगी मंदिर से जुड़ी जानकारियां। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास जमीन में दबाया था एक टाइम कैप्सूल। सोने की महंगाई ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। चांदी की चमक भी बढ़ी। सिर्फ 2 दिनों में 1500 रुपए महंगा हुआ सोना वायदा। चांदी की कीमत 6,000 रुपए बढ़ी। सूरत डायमंड इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर। 1700 से ज्यादा वर्कर कोरोना पॉजिटिव। मार्केट खोलने के लिए बने सख्त नियम। डायमंड एसोसिएशन ने की ट्रेंडिंग टाइमिंग बढ़ाने की बात। ऐश्वर्या और आराध्या का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन। बोले रोक नहीं पाया अपने आंसू। सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण में पुलिस की जांच तेज। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से होगी पूछताछ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगे बयान। यूपी के गोरखपुर में किडनैपिंग केस में 5 गिरफ्तार। बच्चे का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने कर दी बच्चे की हत्या। बच्चे को एसटीएफ ने किया बरामद। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। बिहार के समस्तीपुर के नामापुर में 8 लोगों को लगा करंट। बिजली की तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। 6 लोग झुलसे, 2 की हालत फिलहाल गंभीर। बिहार में बाढ़ से जनता का हाल हुआ बेहाल। सैकड़ों गांव हो चुके हैं जलमग्न। दरभंगा में लगातार बढ़ रहा बागमती नदी का पानी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को हो सकती है एनसीआर में भारी बारिश। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल के कारण जताया। उत्तराखंड में बादल फटने से बचा हड़कंप। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में हुआ भारी नुकसान। भारी बरसात के बाद कई जगह हुई भूस्खलन की घटना। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 जुलाई को राज्यसभा सांसदों से करेगी चर्चा। वर्चुअल बैठक के जरिए होगी बातचीत। अब वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी की स्थितियों को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने की शरद पवार के साथ बैठक। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मांग। बकरीद के मौके पर छूट देने की मांग की। अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लालजी टंडन की अस्थियों को सरयू नदी में विसर्जित करेंगे केशव मौर्य। आशुतोष टंडन लखनऊ से अस्थि कलश लेकर पहुंचेंगे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के आगरा से तालाब में मिला युवक का शव। 2 दिन से लापता था शहजादी मंडी निवासी युवक। मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में दबंगों ने दिखाई दबंगई। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। सिलेंडर में आग लगने से 1 महिला और 3 बच्चे झुलसे। शारथवाल कस्बे के मोहल्ला तीर्थगारान का मामला। यूपी के अलीगढ़ में बातों में बदली शादी की खुशी। कार में बंद हुए मासूम की दम घुटने से हुई मौत। शरागारा थाना क्षेत्र के मोहल्ला कुम्हारान का मामला। यूपी के संभल में 2 साल के मासूम का अपहरण। जंगल में पड़ोसी ने किया मासूम की हत्या का प्रयास। ग्रामीणों के पहुंचने पर फरार हुआ आरोपी। थाने में बताई मनगढ़ंत कहानी। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत। किशनपुर क्षेत्र के नरौली मजरे गढ़ा गांव का है मामला। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। कहा प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाएं लोग। सियासी संग्राम के बीच सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर भी हुई चर्चा। राजस्थान हाईकोर्ट में मदन दिलावर ने फिर से याचिका की दायर। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को हाईकोर्ट में दी चुनौती। आशीष शर्मा ने पेश की हाईकोर्ट में याचिका। प्रदेश के सियासी संग्राम पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान। राजस्थान में बसपा को पहुंचाया गया नुकसान। हमारे विधायकों को तोड़ने की हुई कोशिश। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर बोली मायावती। सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में बसपा। कहा कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे सही वक्त का इंतजार। उत्तराखंड में चेकिंग के दौरान पुलिस वाले को आया गुस्सा। बाइक की चाबी निकालकर चालक के माथे में ठोकी। घटना के बाद क्रोधित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव।
सियासी संग्राम के बीच भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना। आयुष मंत्रालय से जुड़े चिकित्सकों ने दिया धरना। भीलवाड़ा के आयुष मंत्रालय के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं सभी चिकित्सक। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद नौकरी से निकालने का मामला। बांदीकुई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। पूर्व उप जिला प्रमुख विनोद शर्मा के नेतृत्व में हुआ यज्ञ। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 37,970 के पार। कोरोना से अब तक 640 मरीज हुए। अलवर के भिवाड़ी में कोरोना संक्रमण हुआ तेज। 79 नए मरीज आए सामने। भिवाड़ी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार। प्रतापगढ़ जिले का दौलत कस्बा बना कोरोना हॉटस्पॉट। 6 नए कोरोना के पॉजिटिव मिलने से बचा हड़कंप। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 50। कोटा चंबल से नहरों में पानी छोड़ने का मामला। आश्वासन के बाद भी पानी नहीं छोड़ने पर पनपा विरोध। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के साथ किसान पहुंचे कोटा बैराज। राजावत ने दी बैराज के गेट खोलने की चेतावनी। अजमेर में बीपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सुवैया के खिलाफ खोला मोर्चा। महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग। जालौर नगर परिषद की बोर्ड बैठक न होने से भाजपा पार्षदों में नाराजगी। उपसभापति अंबालाल व्यास ने लगा आरोप। कहा राजनीतिक दबाव के चलते प्रस्तावित बैठक हो रही है निराश। जालौर के रानीवाड़ा राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। 11 अगस्त है आवेदन करने का अंतिम तिथि। 25 अगस्त को किया जाएगा चयनित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में नए प्रवेश। 29 जुलाई से महाराजा महारानी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ। 14 अगस्त तक होंगे आवेदन। चौक के मियां का चौक पर दो पक्षों में झगड़ा। झगड़े में एक की मौत, 4 घायल। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एसीबी की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर धनराज चौधरी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। आटा चक्की के मामले में परिवादी से मांगी थी। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। 6 क्विंटल मिर्च पाउडर, 20 क्विंटल काला नमक जब्त। नसीराबाद के लवेरा गादेरी गांव से मिला नवजात का शव। कुएं से बरामद किया गया शव। नवजात का शव मिले से ग्रामीणों में रोष। पुलिस जुटी मामले की जांच में। श्रीगंगानगर के अनुगढ़ में अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या। मवेशियों के रखवाली के लिए बाहर सोया था युवक। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की प्रारंभ। झुंझुनू में बाइक चोर गिरोह का आतंक। चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने जताया चोरी के साक्ष्य। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने का। पाली के सुमेरपुर में बजरी माफिया बेलगाम। जवाई नदी में लगातार हो रहा अवैध खनन। प्रशासन नहीं दे रहा है कोई ध्यान। चूरू जिले के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर सड़क हादसे में युवक की जिंदा जलने से मौत। चिडियासा टोल नाके पर बुलेरो और ट्रोले में हुई भिड़ंत। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से हुआ फरार। जालौर के रानीवाड़ा में पानथेड़ी प्रकरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। विधायक नारायण सिंह ने की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। पानथेड़ी गांव में पिछले दिनों एक युवती की दुष्कर्म की बात की गई थी। जोधपुर के भोपालगढ़ में आसौपे पुलिस थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उपखंड अधिकारी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। इस मौके पर नायब तहसीलदार हरिंद्र मूल, थानाधिकारी मंगाराम समेत कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। नगर पालिका जेई एन सुरेंद्र कुमार गुदारा की मौजूदगी में लगाए 100 पौधे। तो वहीं राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया हुई प्रारंभ। अजमेर के नसीराबाद में मोर्टार बम को किया डिफ्यूज। 1 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरीके से किया सील। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी ली राहत। सीकर के दादारामगढ़ में विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन। होनहार छात्र छात्राओं का किया सम्मान। प्रतीक चिन्ह देकर बढ़ाया हौसला। डूंगरपुर जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्मिकों की जान को खतरा। दूसरी बार छत का प्लास्टर गिरा। पहले भी हो चुके हैं इस तरीके के हादसे। बाल बाल बचे कर्मचारी। भीलवाड़ा में कोरोना संकट के कारण जिला कलेक्टर ने ली बैठक। व्यापारिक संगठनों और दुकानदारों के साथ की चर्चा। रविवार को बाजार बंद रखने पर बनी सहमति। बूंदी में जीरो मोबिलिटी के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रतिष्ठानों पर ताले। पुलिस कर रही है लगातार गश्त। जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का खतरा। भरतपुर के कन्या महाविद्यालय में नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया। परिसर के चारों ओर फलदार बीजों का वृक्षारोपण किया गया। प्रकृति का संरक्षण बनाए रखना मुख्य उद्देश्य। और भरतपुर के ब्याना में पर्यटन मंच की ओर से फलदार पौधे लगाए गए। प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का किया आह्वान। दौसा के बांदीकुई में राधापुरा गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। परशुराम सेवा समिति ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में नगर परिषद ने काटे चालान। आयुक्त रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई। बिना मास्क के घूमते मिले लोग। कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। भीलवाड़ा के राजकीय स्कूल में ग्रीन कोर योजना के तहत निकाली पर्यावरण संरक्षण रैली। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्कूल परिसर की साफ सफाई।
आगरा में नरजाति की महिला के शव को जलाने पर हुआ विवाद, शव को चिता से निकालकर समाज के लोगों ने जलाया दूसरी जगह। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में दो बाइक की भिड़ंत और महिला समेत तीन लोगों की मौत, तीन लोग घायल, एक की हालत फिलहाल गंभीर।